हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, तो आज है नहा खाए, छठ पर्व का जो पहला दिन होता है स्टार्ट, तो आज है नहा खाए का। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे चीज़ दिखाऊंगा जो कि छठ पर्व में स्टार्टिंग से होता है। तो चलिए दिखाता हूँ, यहाँ पर माँ है जो क्या कर रही है। तो यहाँ पे माँ चूल्हा बना रही है, जो छठ पर्व में यूज होता है चूल्हा, वो पहले से बनाया जाता है कि अच्छी तरह से सूख जाए और उस पर जो भी प्रसाद हो वो बने, और इसी कारण पहले से मम्मी ये चूल्हा रेडी कर दी है। ये कोसिया है जो छठ में काम आता है। यहाँ पे मम्मी के लिए खाना बन रहा है जो आज नहा खाए के दिन खाया जाता है। भुजिया बन रहा है वहाँ पे आलू और उसका, यहाँ पे चावल और लौकी का सब्जी तैयार हो गया है। और यहाँ केला का भुजिया भी बन गया है। तो मम्मी नहा धोवा ली थी, अब आज जैसे कि नहा खाए हैं तो नहा धोवा के ही पूजा पाठ करने के बाद ही खाया जाता है, इसलिए अब पूजा कर लेगी, फिर जो भी इनका खाना बना है वो खाना खाएंगे। यहाँ पे इनका खाना निकल गया है। आज है छठ पर्व का दूसरा दिन, तो यहाँ पे सारे बर्तन को धो लिया गया है। इसमें पूजा का आज प्रसाद बनेगा, तो यहाँ पे भाभी सारा चीज़ रेडी कर ली है प्रसाद बनाने के लिए। जो चूल्हा बना हुआ था उस पे ही बनता है आज का प्रसाद, और यहाँ पे भाभी बना रही है प्रसाद। चूल्हा जला दिया गया है, दूध चढ़ाने के बाद इसमें चावल डाला जाएगा। ये साठी का चावल होता है, एक अलग किस्म का चावल होता है, यही यूज होता है आज के खीर में, और गुड़ यूज होता है खासकर। तो मम्मी यहाँ पे पूजा के लिए तैयार हो रही है। अब शाम हो चला है, तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है। मम्मी पूजा पे बैठ गई है और सब प्रसाद जो होता है वो सब कुछ डाल दिया गया है। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, दादा दादी पापा हैं भैया हैं, यहाँ पर मम्मी पूजा पर बैठी हुई हैं। अब हवन किया जाएगा।
आज है छठ पर्व का तीसरा दिन और हम लोग घाट बनाने आ गए हैं। जहाँ पे छठ पर्व मनाया जाता है वहाँ पे हम लोग साफ सुथरा अच्छी तरह से कर दिए हैं। ये ट्रेन जा रही है, हमारे घर के पास से ही ट्रेन गुजरती है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन लगाया गया है और हम लोग अच्छी तरह से साफ सुथरा करके फिर यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, यहाँ पे हैप्पी छठ लिख दिए हैं हम लोग। बहुत ही साफ पानी है और वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी रख रहे हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा गड्ढा है तो साहिल रख रहा है। और हम घाट से आ गए थे तो भाभी ये सारे डलिया पे छाप दे रही हैं क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है, हल्दी और आटे से ये छाप दिया जाता है। कोसिया पे भी दे दिया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है कोसिया पे भी। और ये फल रखा हुआ है यहाँ पे, सब को अच्छी तरह से साफ सफाई करके फिर अर्घ के लिए इसको रखा जाता है, तो बहुत ही अच्छा तरीके से साफ हो गया है ये। फिर ये सजाया जाएगा डलिया में और ये सारे सूप रखे हुए हैं इसमें। मम्मी यहाँ पे जो प्रसाद बनता है वो बना रहे हैं अभी और बहुत सारा बन भी गया है और कुछ अभी बाकी है बनाने को,
तो वो बना रही हैं अभी। ये यहाँ पे कुछ बन गया है जो कि डाला जाता है कोसिया वगैरह में। ये कुछ खजूरिया भी बन चुका है। अभी इतना बनाना बाकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम घाट पे आ गए हैं और ये कुछ नज़ारा है घाट का। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पार भी होता है पूजा और उस पार भी। ये संध्या अर्घ रख दिया गया है सजाकर। तो फ्रेंड्स, अब हम घाट से आ गए थे और यहाँ पे कोसिया हमने लगा दिया है। आपको दिखा नहीं पाए कोसिया लगाते टाइम, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी लगाना था इस कारण से। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाथी बैठाया जाता है और ईंख लगाया जाता है उस पर, दिया जलते हुए, और भी अच्छा लगता है। आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। और जो भी छठ में नहीं आ पाते हैं, उनको ये वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा। अब हवन किया जा रहा है यहाँ पे। सारे लोग हवन करेंगे, फिर कोसिया को फिर घाट पे भी जलाया जाता है। तो सारे चीज़ों को रख दिया जाएगा, हाथी वगैरह को फिर से सुबह में घाट पे जलाया जाएगा। ये हमारे घर का डेकोरेशन है और घर के सामने ही कोसिया लगाया गया था, तो
बहुत ही अच्छा लग रहा है सामने। अब सूर्योदय हो गया है और अब अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूरज को। यहाँ पे सारा प्रसाद को रख दिया गया है जल के पास और सब पे दिया जला दिया गया है। ये आज का अर्घ होगा। माँ यहाँ पे बैठी हुई है और अर्घ दे दिया गया है और सब लोग अपने प्रसाद दे रहे हैं एक दूसरे को। ये चार दिन का महापर्व आज समाप्त हो गया है। तो ये छठ पर्व का वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो किसी कारणवश छठ पर्व में घर नहीं आ पाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।